الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سب حضرات درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज नौजवान साथियों, काबिले सब एहतराम मेरी माओं और बहनों, चौबीस मुहर्रम 1435 हिजरी 29 नवंबर 2013 जुमातुल मुबारक, आज दे इस मुख्तसर वक्त के अंदर इंसान की एक अजली ख्वाहिश और उस ख्वाहिश का हल दीन इस्लाम कुरान के नुकता नजर थोड़ी खिदमत पेश करने का इरादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात बनाई, जमीन आसमान चंद सूरज सितारे पहाड़ शजर हजर, कायनात बनाने तो बाद जदों सब कुछ बना दिता, हिकमत खुदाबंदी दे मुआफिक सब कुछ वजूद च आ गया, फरिश्ते भी वजूद च आ गए, जिन्नात भी वजूद च आ गए, फिर मालिक ने मशवरा किया फरिश्तियां दे नाल, वाइज قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة, मैं जमीन दे अंदर एक खलीफा बनाऊं लगे हैं। फरिश्ते कहन लगे कालू अतजअल फीहा मन युफसिदु फीहा, ओ बनाना है जेड़ा फसाद करेगा, व यस्फिकु दिमा खून बहाएगा, अगर इबादत की ही जरूरत है नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसु लक, असी तेरी हमदो सना वास्ते काफी हैं, तेरी पाकी बयान करांगे, हमदो सना बयान करांगे। अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलम माला तालमून, मैं जो कुछ जानता तुहानू पता नहीं। इल्मे इलाही, इल्मे मलाइका, फरिश्तियां दा इलम किन्ना भी बड़ा होवे, इल्मे इलाही दे मुकाबले ते कोई हैसियत नहीं रखता। अंबिया अलैहिम सलात व सलाम दा किन्ना इलम होवे, इल्मे इलाही दे मुकाबले ते कोई हैसियत नहीं रखता। हजरत खिजर, हजरत मूसा अलैहिम सलाम, जदों उन्हां दा वो वाकया जेड़ा 16वें पारे दे आगाज दे अंदर 15वें पारे दे इख्तिताम ते कुरान पाक ने जिक्र फरमाया, उस वाक्य च उन्होंने एक जगह ते फरमाया हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने, एक जानवर चिड़िया की तरह छोटा जिहा आया, वो कश्ती दे किनारे दे करीब बैठा, उन्हें एक चुंझ पानी दे अंदर मारी, एक कतरा पानी दा चुकिया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एदी चुंझ दे विच मूंह दे विच जेड़ा पानी है इस कतरे नू समुंदर दे नाल की निस्बत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया एदे नाल तां कोई निस्बत समझ नहीं आउंदी, बहुत मुश्किल है।
उन्होंने फरमाया एदी फिर भी कोई निस्बत है क्योंकि कतरे की भी हद बनती है, समुंदर की भी हद बनती है, दोनों दियां हद्दां मौजूद ने। सानू पता है या नहीं पता, ये ना पता है। अदमे इलम तो सानू है लेकिन इन्हां दियां हद्दां है नहीं या नहीं, हद्दां तो है नहीं। जदों दोनों चीज़ां दियां हद्दां होन तो फिर फीसद निकल आउंदा हुंदा है। ते जे एक पासे दी हद होवे दूसरे पासे दी हद ही ना होवे तो फीसद किवें निकलना है। एक बंदा कहे कि जी एक पासे चार रुपये तो उन्हों पुछया जाए भी दूजे पासे, वह कहे दूजे पासे दा पता नहीं, तो कहोंगे भी फीसद कढ़ना कहदा है। फीसद तो निकलना ही तो है कि दोनों पासे दियां चीज़ां दसनियां, फिर ज़रबो तकसीम होना है, फिर फीसद निकलना है। तो उन्होंने फरमाया एदा फिर भी कोई ना कोई फीसद निकल आएगा, लेकिन इल्मे इलाही ते मेरा ते तेरा इलम ऐ मूसा अलैहि सलाम, मेरा इलम तुहाडा इलम ए भी एक पासे ना, सारी कायनात दा इलम एक पासे, इनू एक पासे रख लो ते जेड़ा ऐस जानवर दी चुंझ दे विच कतरा है इनू फिर भी समुंदर नाल कोई निस्बत हासिल है, ते साडे इलम नू रब दे इलम दे एक कतरे नाल ए भी निस्बत हासिल कोई नहीं। गल होर भी अगे बड़ी दिलचस्प है। बरेलवी मकतबा फिकर दे बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे ने मौलाना अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी, उन्होंने ये उदों भी अगली गल लिखी फिर सही कदी। मालिक ने सारी कायनात बनाई, बनाने तो बाद एक फरिश्तिया नूं कहा मैनू पता है तुहानू पता नहीं। इन्नी आलम माला तालमून, जिबरील मैनू पता है तुहानू पता नहीं, मिकाईल मैनू पता है तेनू पता नहीं, इजराइल मैनू पता है तुहानू पता नहीं, इसराफील मैनू पता है तुहानू पता नहीं, इन्नी आलमू माला तालमून, मैं जो कुछ जानता तुहानू एदा पता कोई नहीं। आखिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहि सलातो वसलाम नू बनाया, तैयार फरमाया, फनफखतु फीहि मिन रूही, उन्हां दे अंदर रूह फूंक दिती, वो हरकत दे अंदर आ गए, फरिश्तियां नूं हुक्म मिलिया। उस जदो आदम हजरत आदम अलैहि सलाम नूं सजदा करो, फसजदु इल्ला इबलीस, फरिश्ते सारे सजदे दे अंदर आ गए लेकिन इबलीस ने सजदा ना कीता। और इस तो बाद वाकया अगे चलदा है, फरिश्ते सजदा करके कामयाब हो गए, उस सजदे तो इनकारी करके नाकाम हो गया। एक ही सजदे के ना करने मारा गया शैतान, एक सजदे के ना करने से सारी उम्र सजदे में सर मारा तो क्या मारा, शैतान नाकाम हो गया। वक़्त गुजरता गया, अल्लाह ने फरमाया वया आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, तुसी भी ते तुहाडी अहलिया भी दोनों जन्नत दे अंदर रहो। उस या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नता वकुला मिनहा रगदन हैथु शिक्तुमा, खुली छुट्टी है जिन्ना मर्जी खाओ ते जेड़ी चीज मर्जी खाओ, पर एक चीज दे नेड़े नहीं जाना। वाला तकरबा हाजी हिस्सा जरता, इस दरख्त के करीब नहीं जाना। फतकूना
जे करीब चले गए फतकूना मिन अल्लामीन। अल्लाह कह रहे ने जे तुसी करीब चले गए फतकूना मिन अल्लामीन। तर्जमा अपने आप समझ लो अल्लाह की कह रहा जे हजरत आदम अलैह सलाम नो हजरत हव्वा अलैह सलाम नो फतकूना मिन अल्लामीन। जे करीब चले गए ते फिर जालिमीन फतकूना मिन अल्लामीन। फिर अल्लाह का कुरान कहता है फवसवस लहुम शैतान। शैतान ने वसवसा पैदा किया, शैतान ने वसवसा पाया उन्होंने दिल के अंदर। फवसवस लहुम शैतान, एक दे नहीं दोनों दे। लहू मा कुरान कह रहा है दोनों दे दिल दे विच गल सुटी, गल इक्को ही सी सुटी दो बंदियां दे दिल दे अंदर। ए शैतान नू मालिक ने निजाम दिता है, गल इक्को हो सकती है, सुट सकता है हजारां बंदियां दे सीने दे विच, गल इक्को ही हो सकती है, सुट सकता है करोड़ां बंदियां दे सीने च। अगर तुहाडा टैलीविजन ते बैठा होया बंदा, दुनिया दे अंदर करोड़ां जगह ते टैलीविजन आन ने, बोलण वाला एक है और करोड़ां बंदियां नू वो अपनी गल सुना दिंदा है। ते फिर मालिक ने शैतान नू भी ये कुवत दिती कि हो के एक गल होवे, एक पैदा करे कईयां दे सीनियां दे अंदर, वसवसा पैदा कर छड़े। कुरान ने फरमाया फवसवस लहुम शैतान, शैतान ने वसवसा पैदा किया। मालूम होया अगर अज किसे नमाजी नू वसवसा आंदा है, अज किसे हाजी नू वसवसा आंदा है, अज किसे हाफिज नू वसवसा आंदा है, अज किसे आलिम नू वसवसा आंदा है, अज किसे खलीफे नू वसवसा आंदा है, अज किसे मुर्शिद नू वसवसा आंदा है, अज किसे मुरीद नू वसवसा आंदा है, अज किसे पीर नू वसवसा आंदा है। ते ए दीन दे खिलाफ कोई नहीं, ए तकवे दे खिलाफ कोई नहीं, ए ओदे मतलबे ते मनसब दे खिलाफ कोई नहीं। जदों नबियां नू वसवसा आया और हजरत आदम अलैह सलाम नू शैतान ने वसवसा पा छड़िया, ते आदम अलैह सलात व सलाम दी शान च उदों तक फर्क नहीं आया जदों तक शैतान दे वसवसे ते अमल नहीं कीता। अमल माड़ा जे वसवसे दी वजह नाल कुछ नहीं हुंदा। दिल दे विच गल आई आओ पैसे तैने चुक ला, पर चुके नहीं तो कुछ भी नहीं होया। ना अल्लाह दे हां मुजरिम, ना बंदियां दे हां मुजरिम, ना अदालत दे हां मुजरिम, किते भी मुजरिम नहीं। दिल दे विच आया आओ पैसे तैने चुक ला खिसका ला, केड़ा किसे नूं पता लगना है। हुण ये बंदियां दा भी मुजरिम ते अल्लाह दा भी मुजरिम, वसवसे ते अमल कर लिया ना। फवसवस लहुम शैतान, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं वसवसा पैदा कर छड़िया, अम्मा हव्वा दे दिल दे अंदर वसवसा पैदा कीता। ते आखिया कि हल अदुल्लुकुम आला शजरतिल खुल्द, मैं तुहानूं ऐसा दरख्त दसा जे खा लोगे सदा रहोगे। मौत नहीं है, खा लोगे तो सदा मौजा करोगे। आला शजरा तिल खुल्द, खुल्द मैं ना हमेशा रहना, हमेशा दे दरखत दे उत्ते तुहानू मैं रहनुमाई करा दसा, जे उस दरखत दे करीब चले जाओ तो इस्तेमाल कर लो फिर मौजा ही मौजा। आला शजरा तिल खुल्द, नंबर एक व मुल्क ला यबला, आ जेड़ा मुल्क रब ने तुहानू ज
जन्नत दिती हुई है। फरमाया कदे पुरानी नहीं होएगी, कदे ए लंबी हो के लंबी जिंदगी गुजरन तो बाद एदे निजाम ते कोई फर्क नहीं आएगा। इस करके हमेशा ही चाहते हो लंबा निजाम चाहते हो ते फिर मैं तुहानू दसा आला शजरतिल खुल्द व मुल्क ला यबला, ना तुहानू मौत आएगी ना ये निजाम खत्म होएगा। दिल चाहता ना कौन अभी चाहे भी मर जाइए, नहीं हर बंदा कहना कि नहीं। जेड़ा बीमार ठमार है वो कहना करो यार मेरा कुछ क्यों नहीं करते। बंदा डॉक्टर नो कहता है जनाब कोई टीका ला छड़ो, कोई इंजेक्शन ला छड़ो, कुछ करो मेरी जिंदगी वास्ते। ते डॉक्टर कहता जनाब मैं कुछ नहीं जे कर सकता, लेकिन ख्वाहिश दिल दे विच मौजूद है कि मैं जरा होर जिंदगी गुजारा, होर जिंदगी गुजारा। पैगंबर दी खिदमत दे अंदर हजरत इजराइल अलैह सलाम तशरीफ ले आए, कहन लगे जी चलिए, ना तुहानू पुछना है ना सिहाबी नू पुछना है ना किसे वली ते कुतुब दार ते गौस नू पुछना है, लेकिन सिर्फ अंबिया दी खिदमत दे अंदर जदों इजराइल अलैह सलाम आंदे ने ते पहला सवाल है सलाम करन तो बाद हजरत इजाजत होवे ते फिर चलिए। ये सिर्फ नबिया दे नाल मामला है। ते पूछिया पैगंबर नूं चलिए, कहन लगे कुछ देर होर ना गुजार लईए। कहन लगे जी चलो तुहाडी मर्जी दी गल है, असीं तां तुहाडे कोलों पुछणा सी। कहन लगे अच्छा जे होर थोड़ी जिही जिंदगी गुजर जाए ते फिर। कहन लगे इदां करो आ जानवर ते हथ रखो। रखिया कहंदे इहदे थले किन्ने क बाल तुहाडे हथ थले आए होणगे। कहन लगे जी बड़े, की पता किन्ने ने। कहन लगे इन्नी जिंदगी भी गुजर जाएगी फिर भी आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। कहने फिर भी मौत, ये तो भी डबल नंग जाएगी फिर भी मौत, त्रबल नंग जाएगी फिर भी मौत। कहने जे फिर सौ गज रस्सा ते सिरे ते गंड, जे गल इयो ये ते फिर चलिए, चलो फिर चलते। लेकिन ख्वाहिश तो है ना, हजरत आदम अलैह सलाम नू वसवसा पैदा किया कि मैं तुहानू ऐसी चीज दसदा हमेशा दियां मौजां ही मौजां हो जानियां ने, मौत कोई नहीं, ना दुनिया जाएगी ना जिंदगी जाएगी, दोनों चीजां तुहाडे कोल मौजूद रहनगियां। हलातुल्लुकुम आला शजरतिल खुल्द व मुल्किल ला यबला। ते चले गए, रब ने आखिया सी वाला तकरबा, नेड़े नहीं जाना, एदे नजदीक नहीं जाना, एदे करीब नहीं जाना। ते वसवसे ने की आखिया, जे खा लिया ते फिर हमेशा ही मौजा। वसवसा कह रहा है इधर मौज है, ते हुक्म कह रहा है मालिक दा वाला तकरबा हाजी शजरा, करीब ना जाना, इधर मौज कोई नहीं, इधर तुहाडे तुहाडे खिलाफ खतरनाक फौज है, ये बहुत कुछ है इधरले पासे, इधर ना जाना। हुक्म कह रहा है इधर नहीं जाना, वसवसा कह रहा है मौज ही बड़ी। ते फिर वसवसे ते अमल कर लिया, जदों वसवसे ते अमल हो गया कुरान कह रहा है दोनों ने खा लिया, एक दिन नहीं दोनों ने खा लिया। फाकला मिन्हा फबदत लहुमा सौआतुहुमा, जिस्म का पर्दा जाहिर हो गया, शर्मगाहां जाहिर हो गईयां, नंगे नजर आने लग पे। फाकला मिन्हा फबदत लहुमा सौआतुहुमा वत्तफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरकिल जन्ना, जल्दी जल्दी दरख्तां दे वड्डे वड्डे पत्ते अपने उत्ते ला के ते अपना पर्दा छुपाण लग गए। वनादाहुमा रब्बुहुमा, कुरान कितें आउंदा होवे ना बंदे नूं, इहदा चासी हो रहा है
अंदाजा ही हो रहा है। अलामा इकबाल कुरान खोलते सन ते पढ़ते रहते सन, अखां चो आंसू बहते रहते सन। अनाता हुमा रब्बु हुमा अलम अनहकुमा अंतिल कुमा शजरा। रब ने आवाज दी, रब ने वनादा हुमा रब्बु हुमा, उन दोनों के रब ने कहा अलम अनहकुमा, मैं नहीं सी रोकिया इस काम तो, मैं कह रही सी भी ये करीब नहीं जाना, मैं रोकिया सी। फिर अल्लाह आ गए फिर दुनिया च, अल्लाह ने कहा ठीक है तौबा कबूल है पर रिजल्ट भुगतना पड़ना। तौबा कबूल माफी कोई गल नहीं, पर यह है भी यदि वजह ना कुछ होर जड़ा होना ना वो होके ही रहना, वो नहीं मुड़ना। एक बंदे ने किसी चीज का बटन दब दिता, लिखिया सी भी खतरा इनू हाथ ना लायो। अदालत ने कहा जा तेन माफ किया, लेकिन जो उन्हें बटन दबिया जो कुछ अगे होना सी वो तो हो गया कि नहीं, वो तो हो गया। एक बंदे ने खुदकुशी की, जहर खादा, उन्हें फौरन हस्पताल लै गए, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, अदालत ने उन्हें माफी दे दी, लेकिन जोड़ा जहर खादा सी उन्हें जो कुछ अंदर जाके करना सी वो तो करना कि नहीं करना, नतीजा तो निकलना है। अल्लाह ने फरमाया माफी खत्म का, लेकिन चलो दुनिया च एह भी तो बाजु कुम ले बाजिन अदो, चलो तशरीफ लै चलो थले आ गए। हुण उन्हां दी औलाद ते नस्ल, नस्ले इंसानियत, हुण इन्हां दे बारे च कुरान की कह रहे हैं। पहला पारा सूरतुल बकरा, अल्लाह दा कुरान फरमाया वला तजिदन्नहुम अहरसन नास अला हया वमिनल लजीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना। महबूबा ए जेड़े मुशरक लोग ने ए चाहुंदे ने हजार हजार साल लंबी उम्र होवे, ये चाहते ने हजारों साल। हुण भी लोग किसी नूं कह देना यार जीते रहो हजारों साल, हालांकि उन्हें जीना जूना नहीं हुंदा, बंदा खुश हो जाता है। रहने तो 50-60 साल ही है, हजारों साल कित्थे, सैकड़े भी बड़े मुश्किल है। सैकड़े वालों दी खबरां अखबारां छपदियां, लौ युअम्मरु अल्फ सना हजार साल, ते अरश वाले ने कहा हजार साल फिर भी हो जाए, चलो हो गए फिर। वामा युअम्मरु अल्फ सना, जिन्हों भी हजार साल जिंदगी भी तुहानू मिल जाए। वामा हुआ भी मुज़ाहिरी मिन अज़ाबी अन युअम्मर, हजार साल दी जिंदगी भी तुहानू मिल जाए तो जहन्नम तो फिर भी नहीं जे बच सकते, की करोगे। ते मालिक ने फिर दूसरी जगह मालूम होया ना भी एक अंदरों ख्वाहिश है बंदे की भी जिंदगी लंबी हो जाएगी, और फिर एदे उत्ते कुरान ने इम्तिहान रख दिता है। यहूदी कहन लगे असी रब दे बड़े प्यारे, साढ़े कोल तौरात, असी साहिबे किताब, साडा रब नाल बड़ा ताल्लुक बड़ा कनेक्शन मजबूत है। कुरान पाक ने फरमाया महबूबा इन्हां नूं एक गल कह, कुल इन कुंतुम, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हां नूं एक गल आखो कि अगर तुसी अल्लाह दे प्यारे हो, फतमन्नुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, फिर मौत दी तमन्ना करो जे अपने दावे च सच्चे हो। जे रब नाल बड़ा प्यार है ते रब नूं तुहाडे नाल बड़ा प्यार है ते फिर रब कोल अपने यार कोल जाण दी तमन्ना करो, तमन्ना करो फिर। ते कुरान ने की कहा, वला यतमन्नौनहु अबदा, कभी भी नहीं करेंगे,
करनगे। एक जगह ते फरमाया वलैया तमन्नहु अबदा, हर किस मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। ते साडे आका की कह रहे सी, अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल अम्ला, ऐ अल्लाह मैनू अच्छे दोस्तां दे विच ले जा। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला उमरा करके वापस तशरीफ ले आ रहे थे, वापसी दे अंदर इरशाद फरमा रहे ने सफर दे अंदर, बैतुल्ला शरीफ दे सफर तो वापसी दे अंदर रात दा वेला ते कह रहे ने, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फी सबीलिक, ऐ अल्लाह मैं तेरी राह दी शहादत मंगदा, वफातन फी बलद रसूलिक, ते तेरे नबी दे शहर दी मौत ते वफात मंगदा। फिर आई कि नहीं, शहादत होई कि नहीं, दोनों चीजां कबूल हो गई काफर दे हत्थों। फरमाया मैनू किने खंजर मारे ने, कहंदे जी अबू लोलो फिरोज ने मारे ने। फरमाया अलहम्दुलिल्लाह किसे मुसलमान दे हत्थों नहीं जा रहे। ते फरमाया कि इन्हां नू कहो कि मौत की तमन्ना करो जे प्यारे हो। मौत की तमन्ना बहुत मुश्किल है। ते अल्लाह ने फरमाया जेड़ा रब की मुलाकात नू पसंद करता रब उदी मुलाकात नू पसंद करता। मन अहब लिखा अल्लाह फकत अहब लिखाहू। मेरे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह दा कुरान जिंदगी दी तमन्ना, वतत्तखिज़ूना मसानिया लअल्लकुम तख्लुदून। हजरत हूद अलैहिस्सलाम दी कौम बड़े बड़े मकान बना रहे ने बहुत ऊंचे आलीशान, ते रब ने की आख्या 19:12 वतत्तखिज़ूना मसानिया, और बड़े उच्चे उच्चे मकान बनाते पे हो, लअल्लकुम तख्लुदून हमेशा रहना जे। बड़िया बिल्डिंगा बनाने लगे हो हमेशा रहना। ते फिर कुरान ने इस नुकते का जवाब दिता है कि हमेशा रहना है। चाहते हो इदा दिया चीजा मिलन जिदा दिया दुनिया के विच ने, इदों भी आला क्वालिटी दिया चीजा भी होन, हमेशा वास्ते होन, खत्म भी ना होन, ते जिंदगी भी रज के हो। चाहिए हाँ जी चाहिए। फरमाया सुन लो आ तो कोई नहीं जे रहनी। इंसान खसारे दे अंदर, तेरी औलाद भी मुक जानी, तू आप भी मुक जाना, तेरा माल भी मुक जाना, तेरा जे तेरी जायदाद भी मुक जानी, सब कुछ मुक जाना जे पक्की गल है। ते एक रस्ता है जे कुछ चाहिदा है, ये तो नहीं रहना तेरे पास। खासिरत दुनिया वल आखिरा, खासिरा इन्नल इंसान लफी खुसर। ते खुसर किनू कहंदे हैं? खसारा अरबी च, ते उर्दू च किनू कहंदे हैं? घर वाली दे अब्बे नू, ते मुंडे दे अब्बे नू सुसर कहंदे हैं, ते घर वाली दे अब्बे नू खुसर कहंदे हैं उर्दू च। ए मेरे खुसर ने जिन्हों तुसी इंग्लिश दे अंदर फादर इन ला कहने हो, ते उर्दू दे विच खुसर, खुसर दा माना खसारा। की मतलब के जम्मी पाली परवान चढ़ाई, तरबीयत कीती, पढ़ाई एम ए बी ए कराया, ते फिर धी किनू देती मुड़के किसी होर नू, खसारा हो गया कि नहीं? ये खुसर है, खसारे वाला। अल्लाहु अकबर, ये खुसर है। ते कुरान ने कहा खसारा पक्का, सब कुछ छुट गया, एक धी की वजह नाल खुसर हो गया है। ते जदों सब कुछ छुट गया तो फिर की हो गया? उदों भी वड्डा हो गया।
हूं तो सब कुछ ही गया। अर्श वाले ने कहा साडे नाल यारी लाओ, फिर फरमाया वाला तकूलू लिमन युक्तल फी सबीलिल्लाही अमवात, जेड़े मेरी राह दे अंदर कतल हो जान, फरमाया इनू मुर्दा ना आखियो। या अल्लाह मुर्दा क्यों ना आखिए, मुर्दा तो पिया है। फरमाया बल अहया लफ्ज़ नाल बल अहयाउन जिंदा है, क्या बल अहयाउन इंदा रब्बी हिम, अपने रब के पास जिंदा है, ओदे कोल जिंदा है। तेरे को तब तू मुर्दा ही समझदा होएगा, तेरे को मुर्दा ओदे कोल जिंदा है। ते या अल्लाह ये जिंदा किदा, फरमाया ला तशुरून, तेरे को इन्नी समझ है ही नहीं, तू नहीं समझ सकता। ते फिर चौथे पारे च इरशाद फरमाया वला तहसबन अल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाही अमवाता, जेड़े मेरी राह च शहीद हो जान इन्हां नूं मुर्दा ख्याल भी ना करी, बल अहयाउन इंदा रब्बीहिम युरज़कून। अल्लाह दे कोल जिंदा ने फरमाया उन्हां नूं रिज़क भी मिलता है। और फिर कुरान पाक ने इशारा फरमाया जे तू जिंदगी चाहना है फी जन्नत नालिया, आ जा तेनू जन्नत दे अंदर दाखिल करांगे, ला तस्मउ फीहा लाहिया, फरमाया कोई फजूल गल उत्थे नहीं होएगी, ला तस्मउ फीहा लाहिया फीहा आइनुन जारिया, फरमाया चश्मे एदा दे होने ने जेड़े ना मुकने ने ना सुकने ने, हमेशा वास्ते जारी होंगे, फीहा आइनुन जारिया फीहा सुरूर मस्फू मस्फूफा, फरमाया तख्ते ही तख्ते लगे हुए होंगे, तेनू तख्तों के उत्ते बिठावांगे, फीहा सुरूर मरफूआ व अकवाब मौलूआ, फरमाया तरतीब दे विच बर्तन तेरे खान पीन दे रखे होंगे, वज़रा भी मबसूसा, फरमाया फर्श बिछे हुए होंगे, कालीन बिछे हुए होंगे, अफला यंज़ुरूना इलल इबिल कैफ़ा खुलिकत, अर्श वालिया एतो तक फरमाना ना वाला कौफिया मा तश्तही हिल अनफुस, जो चाहेगा ओयो दवांगे, जो चाहेगा, इत्थे नहीं इदा हुंदा, उत्थे फरमाया जो चाहेगा दवांगे। अर्श वालिया एक किन्ने क दिन दा कम है, फरमाया खालिदीन फीहा, हमेशा वास्ते, हमेशा वास्ते। ते ए दो ख्वाहिशा के जिंदगी भी होवे ते सब कुछ भी होवे मिलदियां हैं ने, पर राहे हक च मिलदियां ने, मिलदियां हैं ने पर अल्लाह दी राह च मिलदियां ने, मिलदियां हैं ने पर दीन दे रस्ते ते मिलदियां ने, दी मिलदियां हैं ने पर कुरान दे दसे हुए राह च मिलदियां ने, मिलदियां हैं ने पर मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तेबा दे अंदर मिलदियां ने। ते इनू हट के जे बंदा समझदा रहे कि दो चीज़ां मिल जान, ते कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुसर, पक्की गल है तेरे को रहना कोई शै नहीं है। अल्लाह सानू राहे हक नसीब फरमाए। वाह।